स्मार्ट सिटी के तहत शहर में सीवरेज को लेकर चल रहे कार्यों के तहत शहर में आने वाले पर्यटकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और खासकर उन क्षेत्रों में काम चल रहे हैं जो पर्यटन की दृष्टि से शहर में अपना एक अहम स्थान रखते हैं। पर्यटकों को आने वाली इन्हीं समस्याओं को लेकर जिला पर्यटन विकास समिति के सदस्य शांता प्रिंस ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए शहर में आने वाले पर्यटकों की मुसीबतों से अवगत करवाया है। शांता प्रिंस ने कलेक्टर को दिए अपने ज्ञापन में बताया कि नवंबर और दिसंबर महीने में शहर में पर्यटकों की खासी भीड़ रहती है क्योंकि दिवाली के बाद कई पर्यटक झीलों की नगरी में आकर अपने नए साल को यादगार बनाते हैं। उन्होंने बताया कि इन पर्यटक क्षेत्रों में आलम यह है कि नालियों का गंदा पानी भी सड़क पर आ रहा है जिसके चलते पर्यटकों को यहाँ घूमने में परेशानी भी हो रही है और शहर की सुंदर छवि भी धूमिल हो रही है। कई बार पर्यटक गंदगी के चलते अपना रास्ता तक तो बदल लेते हैं लेकिन वे शहर की गलियों से अनजान होने के चलते रास्ता भटक भी जाते हैं। शांता प्रिंस ने इस समस्या से पर्यटकों और शहरवासियों को जल्द ही निजात दिलाने की मांग की है।